हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे। ये व्लॉग बड़े टाइम बाद आ रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था, काम वगैरह कर रहे थे क्योंकि अब फुल टाइम कर सकते हैं। तो अभी वेदर देखो कैसा हो रखा है, इंडिया की तरह एकदम स्नो वगैरह पड़ रही है, मतलब धुंध पड़ रही है। ये देखो स्नो पड़ रही है इस टाइम, ये देखो आप बाहर देखो एक बार कितना ख़राब वेदर है। तो बस अभी एक बार पहुँच जाए वहाँ जगह पर, फिर आपको जाके वहाँ वेदर की कंडीशन दिखाएंगे अच्छे से बाहर जाके। तो चलो अभी चलते हैं वहाँ, पहुँच के दिखाते हैं आपको वेदर की कंडीशन। ये देखो गाइस कितनी स्नो पड़ रही है बाहर और धुंध भी है साथ के साथ। विनीपेग का वेदर है ये। जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो थोड़ा सा तैयारी के साथ आए, वेदर बहुत ख़राब है हमारी। तो चलो अभी वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। आज बड़े दिन बाद हम लोग डाल रहे हैं, सागर के साथ आए हैं, आपको वेदर कंडीशन दिखाते हैं यहाँ विनीपेग की। जो भी स्टूडेंट जनवरी इनटेक या फरवरी इनटेक में आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी प्रिकॉशंस उनको अप्लाई करनी होगी क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है यहाँ पर। देखो सारी साइड स्नो पड़ी हुई है। तो अभी और आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, फिर बताते हैं क्या क्या आपको लाना है अपने साथ, जो भी अपना जनवरी इनटेक में आ रहा है या उसके बाद आ रहा है विंटर्स में। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखो, ये हम विनीपेग का एस्टबोनी पार्क है, यहाँ आए थे। ये सारा फॉरेस्ट है, ये देखो स्नो देखो कितनी, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और सारी धुंध भी पड़ी है। ये देखो बर्फ़ के साथ धुंध पड़ती है यहाँ पर। ये सारा अपना एस्टबोनी पार्क है, तो ये देखो। तो गाइज अभी बात करते हैं कि जो बच्चे जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, एक तो अपना प्रॉपर ग्लव्स वगैरह लेके आना और विंटर क्लॉथ यहीं से लेने का फ़ायदा है। इंडिया वाले यहाँ इतने चलते नहीं क्योंकि एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, फिर यहाँ पे भी लेने पड़ते हैं। विंटर शूज़ और विंटर जैकेट वगैरह यहीं से लेने का फ़ायदा है। इंडिया से अगर एक आधी लानी है अपने साथ ले आओ, बाकी यहीं से लेना। तो अभी वेदर दिखा देता हूँ आपको कि कैसा हो रहा है। ये देखो देखो ये वेदर इस टाइम विनीपेग का, धुंध भी है स्नो भी है। अब एक आधा ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ चल रहा है। थोड़ा अंदर चलते हैं और चलो चलें शॉट से पहले, ड्रोन शॉट से पहले। गाइस जो हमारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आने से पहले कि विनीपेग का वेदर ज़्यादा ही ख़राब होता है या यहाँ बंदा रह नहीं सकता, स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। हाँ सच है भाई, थोड़ी बहुत ही ठंड तो होती ही है, अपना टोरंटो वगैरह से ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन हमें यूज़ करनी पड़ती है। अभी तो विंटर स्टार्ट हुई है, अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है फिर तो हम हाथ भी नहीं बाहर निकाल सकते ना, ज़्यादा देर जम जाते हैं अपने हाथ। ग्लव्स डाल के हमेशा रखने पड़ते हैं अपने को, कैप वगैरह भी। अभी तो हम चल रहे हैं भाई बिना टोपी के, देखो चलो अभी काम चल गया, नहीं तो कान भी हमारे सुन्न हो जाएंगे, बिल्कुल लाल हो जाते हैं। तो अपना प्रिकॉशन तो देखो बरतनी पड़ेगी अपने को। तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा और दिखाते हैं आपको ड्रोन शॉट, रिवर भी दिखाएंगे कि क्या हाल हुआ पड़ा विंटर में रिवर का। ये देखो गाइज कितनी स्नो है, सारे पेड़ पूड़ जड़ गए यहाँ पे। अभी तो विंटर स्टार्ट हुई है, जैन में तो और ज़्यादा ठंड पड़ेगी, -40 जाता है या विनीपेग में टेम्परेचर। तो अपना आओगे तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ आना विंटर के लिए, तो खास कर यहीं से लेना विंटर के कपड़े। तो गाइज ये सारी रिवर चल रही है अपने साथ, ये देख सकते हो आप पेड़ के उस साइड सारी रिवर है जो जमी पड़ी है। अभी एक आधा ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं आपको और ये कंडीशन का, फिर हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हो विनीपेग की वेदर कंडीशन। तो ये देखो इसीलिए ज़्यादा ऊपर नहीं लेके गए। और जितना हमने आपको दिखाया आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, यहाँ पे हमने रिवर देखी होगी कि पूरी जम रखी है। और अभी हाथों को देखे हमने ग्लव्स नहीं डाले थे, अभी तो विंटर स्टार्ट हुई है, कितने लाल हो गए हैं ये, दिख रहे होंगे आपको, ड्राई भी हो गए एकदम।
तो बस अभी काम पे चलते हैं जहाँ हम काम करते हैं, और वहाँ चल के आपको बताते हैं कि आप अपने साथ क्या लाएं जिससे कि आप ठंड से बच सकोगे। और बाकी यही है विंटर यहाँ पे, यहाँ ये सच है कि भाई वेदर ज़्यादा ख़राब होता है बाकी जगह से। एक बार आप देख ही लो, दोबारा दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये सारी इस टाइम ये विनीपेग की वेदर कंडीशन है। और बाकी जहाँ हम काम पे जा रहे हैं वहाँ पहुँच के भी आपको थोड़ा दिखाएंगे कि क्या कुछ रहता है। तो चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि हाथ सुन्न हो रहे हैं, और फिर बाकी काम पे पहुँच के बताते हैं आपको। तो गाइस हम पहुँच गए हैं जहाँ पर काम करते हैं, ये अपना पंप है। तो यहाँ पे जाम देखो कितना लग रहा है, 204 फ्यूल यहाँ हम काम करते हैं, तो बहुत भीड़ लगी है अपने पंप पे। तो बस अभी ये थोड़ी देर में काम स्टार्ट करना है हमने, अभी थोड़ी देर में काम स्टार्ट करना है। तो आज भीड़ बहुत है, बहुत मतलब बिजी रहेगा स्टोर, काम करना पड़े। तो बात चल रही थी भाई विंटर के लिए जो आ रहे हैं वो क्या लाएं, पूरा सामान अपना लेके आए साथ में, ग्लव्स वगैरह तो यहाँ पे भी आके लें क्योंकि इंडिया वाले यहाँ काम नहीं करते कई बारी। तो और साथ में जैसे कि जिन पे गाड़ी नहीं है वो तो ज़रूर हर वक्त अपने साथ ग्लव्स का पेयर रखें, और जिन पे गाड़ी है वो भी ज़रूर रखें क्योंकि स्टेयरिंग जिनके हीटेड नहीं होते उनको लोड पड़ती है। तो बस यही थी प्रिकॉशन जो बरतनी है, और आपको जो भी सवाल वगैरह हैं वो आप कमेंट में पूछ लेना। तो गाइस आज का व्लॉग आप यहीं ख़त्म करते हैं, आपने कुछ भी अगर और पूछना है आप कमेंट करके पूछ लेना। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा ही होती है विनीपेग में, इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आना, बाकी वहाँ इंडिया वाले क्लोथ यहाँ नहीं काम करते विंटर के, तो यहीं पे लेने पड़ते हैं। तो इंडिया ज़्यादा ना खर्चा करो, अपना जरूरी जरूरी थोड़ा बहुत सामान ले आओ, बाकी यहीं आके लो जो भी लेना है। तो बाकी सागर से पूछते हैं भाई, सागर क्या कुछ रहा था जब तू आया था विंटर का सीन यहाँ पे? वो तो बहुत ज़्यादा ठंड सी, अब की बारी इतनी पड़ी नहीं ना, अब की बारी इतनी ठंड नहीं है, फिर भी देख लो अभी तो ठंड है नहीं और इतनी ठंड हो रखी है, जब ठंड होएगी तो क्या बनेगा अपना। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि अभी अगली बार जब थोड़ा सा वेदर आसमान क्लियर होगा फिर अच्छे से आपको सारी विंटर का ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे। तो बस अभी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर किसी ने प्रोविडेंस के बारे में कुछ पूछना है वो भी ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और आगे जो पूछना है वो भी कमेंट कर देना, आगे बना देंगे आपके लिए। आज के लिए गुड बाय, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, बाय।